आम जनता को मास्क के प्रति जागरूक करने के लिए और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार के साथ साथ अब लोगों ने भी जागरूकता की पहल की है। जिस तरह 80 के दशक में फिल्मों का तांगे से प्रचार किया जाता था, ठीक उसी प्रकार कोरोना का प्रचार प्रसार तांगे से किया जाएगा और जागरूकता के उद्देश्य से तांगे पर बैनर पोस्टर लगाकर लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है और यह यात्रा भोपाल, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद जैसे जिलों में जाएगी और लोगों को जागरूक करेगी। वहीं इस अनूठे प्रचार कोरोना रथ का गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आज हम लोग जन जागरूकता अभियान के तहत मास्क क्रांति का आयोजन कर रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले 80 के दशक में जिस प्रकार का कोई नई फिल्में आती थी और उसका प्रमोशन जिस तरीके से होता था और लोगों को अट्रैक्शन करता था, उसी तरीके से हमने आज इस प्रमोशन को करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी हमेशा नए नए प्रयोजन करती रहती है। इससे पहले हमारा एक जो प्रमोशन हुआ था ट्रकों के पीछे शायरी, वो वर्ल्ड वाइड छा गया है और उसको करीबन 2 से 5 लाख व्यूज लोगों ने संवारा था और उस प्रमोशन को पूरे स्टेटों ने उसका उपलब्ध उसको किया है। और आज हम आदरणीय मंत्री जी के द्वारा यहाँ पर इसको झंडी दिखा करके इस प्रमोशन को पूरे शहर में घुमाएंगे और भोपाल के साथ साथ या सीहोर, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद में भी यह आयोजन आज से प्रारंभ होने जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को किसी न किसी तरीके से मास्क के प्रति अवेयरनेस करना और जो मुख्यमंत्री जी की योजना अभी चल रही है मास्क अभियान, उसके अंतर्गत भी हमने इसको जोड़ा है। और हमारा ये प्रमोशन अकेला क्रांति फिल्म नहीं, इसके बाद दान और शोले के फिल्मों के तर्ज पर भी हम पूरे शहर में इसको कराने जा रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।